हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप सभी खुश होंगे। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के परिप्रेक्ष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा हेतु मार्गदर्शिका जारी की गई है। इस मार्गदर्शिका को आप गौर से देखें, यहाँ पर इसको दर्शाया गया है। सक्षमता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो है कि बहुविकल्पीय होंगे, और दूसरा है कि प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा, अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिए जाएंगे। और तीसरा जो है कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई इसके लिए निगेटिव मार्किंग नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा का विषय क्या होगा? तो राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पढ़ाए जाने वाले सभी विषय होंगे जो आप प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक पढ़ाते हैं, वही पाठ्यक्रम होगा। दूसरा ये भी लिखा हुआ है कि पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित TRE 1 और TRE 2 के लिए निर्धारित जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया था, वही जो है कि पाठ्यक्रम जो है कि होगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इस पाठ्यक्रम को आप लोग ध्यान से जो है कि देख लेंगे। प्रश्न का पैटर्न, सक्षमता परीक्षा 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, अर्थात ये परीक्षा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप की तो होगी ही, लेकिन 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो जैसा कि आपने ऊपर देखा है कि ये इस परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे, अर्थात 150 प्रश्न हैं तो इसके अंक भी 150 ही होंगे। स्थानीय निकाय द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक पुस्तकालाध्यक्ष जो हैं इसके अर्हता को प्राप्त करते हैं। परीक्षा शुल्क ये भी इम्पोर्टेंट है, सभी कोटि के लिए परीक्षा शुल्क जो है कि कितना निर्धारित किया गया है ये भी आप देख लीजिए। तो सभी कोटि के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क 1100 अर्थात 1100 रुपया, 1100 रुपया जो है कि प्रत्येक कोटि के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क जो है कि निर्धारित किया गया है। सक्षमता परीक्षा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, जिसकी अवधि 2 घंटा 30 मिनट होगी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना है कि परीक्षा की अवधि जो है कि 2.5 घंटे की होगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये जो है काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको 2.5 घंटे की परीक्षा होगी और साथ ही साथ ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसीलिए इसकी अच्छा से आप जानकारी हासिल कर लीजिए। क्योंकि आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं होगा तो आपको परेशानी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 के अनुरूप सक्षमता परीक्षा का उत्तीर्णांक निम्नवत होगा, मतलब जनरल सामान के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, पिछड़ा वर्ग NX-1 अर्थात EBC के लिए 34%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, और इसी तरह दिव्यांग के लिए 32% और महिला के लिए भी 32% है। प्रमाण पत्र सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण सभी अर्थियों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा, जिस पर परीक्षा नियंत्रक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कंप्यूटर जनित हस्ताक्षर होगा। सक्षमता परीक्षा के लिए प्रत्येक गतिविधि हेतु निर्धारित समय सारणी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि इसका विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कब है, तो 26/1/2024 तुरंत ही इसका विज्ञापन आने जा रहा है, 26/1/2024 को। फिर साथ ही आप ये भी देख लीजिए कि ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की तिथि, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है,
जो आपको 1/2/2024 से 15/2/2024 तक, मतलब 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच जो है कि ऑनलाइन आवेदन कर देना है। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तो ये 5 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच है। फिर इसी प्रकार डाउनलोड किए गए एडमिट कार्ड को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा वेतन भुगतान पंजी से सत्यापित कर भौतिक हस्ताक्षर के उपरांत अपलोड करना, ये 6/2/2024 से 16/2/2024 तक है। ऑनलाइन परीक्षा की तिथि, ये तिथि काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर पैनी नज़रें रखें। और यहाँ आप देख रहे हैं कि यह परीक्षा 26/2/2024 से 13/3/2024 के बीच में जो है कि होगी। और फिर इसी तरह इसके लिए कुछ विशेष अनुदेश जारी किए गए हैं। परीक्षा फर्म प्रपत्र विभागीय अनुमोदन उपरांत जारी किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा सक्षमता परीक्षा हेतु आवेदन पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर ऑनलाइन भरा जाएगा। ये भरते समय पिता पति का नाम, ध्यान जन्म तिथि वगैरह ध्यान से भरें। यदि सीटेट टेट स्टेट पास हैं तो उसको भी भरना है। और इसी तरह अन्य जो जानकारियां हैं इसको भी आपको भरना है। ऑनलाइन परीक्षा लेने वाली एजेंसी 2-2 मशीन 2 महीने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को देगी, ताकि शिक्षक अभ्यर्थी का थंब इम्प्रेशन एवं आयरिस रिकॉग्निशन आँख की पुतली का सत्यापन लिया जा सके। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कोई भी धांधली कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आयरिस रिकॉग्निशन पुतली का सत्यापन लिया जाएगा, तो कोई भी गड़बड़ी होने की चांसेस नहीं है। और सारी यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, परीक्षा समाप्ति के बाद मूल एडमिट कार्ड शिक्षक अभ्यर्थी द्वारा संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को समर्पित किया जाएगा। थंब इम्प्रेशन एवं आयरिस का मिलान भी किया जाएगा, ये काफ़ी इस पर जोर दिया जा रहा है थंब इम्प्रेशन एवं आयरिस रिकॉग्निशन पर, ताकि किसी भी तरह की बंगलिंग नहीं हो और सरकार बदनामी से बच सके। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपका जो मूल एडमिट कार्ड है उसको काफ़ी संभाल कर जो है कि रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मूल एडमिट कार्ड गुम होने की स्थिति में शिक्षक अभ्यर्थी को दोबारा सक्षमता परीक्षा देना होगा, इसीलिए आप अपने मूल एडमिट कार्ड को काफ़ी संभाल कर जो है कि रखेंगे, ताकि वो गायब नहीं हो पाए। ये और महत्वपूर्ण सूचना है कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें सक्षमता परीक्षा देना है, ऑनलाइन से संबंधित प्रैक्टिस नज़दीकी प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षण संस्थान जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय के संध्या 7:30 बजे से 9:30 बजे रात्रि तक करना है। अर्थात जिनको कंप्यूटर का अच्छी जानकारी नहीं है, वे प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वहाँ जाकर इसका अभ्यास जो है कि कर सकते हैं, ऐसा लेटर जो है कि जारी किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण के पश्चात सभी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटन के पूर्व काउंसलिंग होगा, जिसमें उनके प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी तथा थंब प्रिपरेशन एवं आयरिस रिकॉग्निशन का मिलान किया जाएगा। और ये सारी जानकारी भी है, साथ में 3 जिले के ऑप्शन भी लिया जाएगा। तो ये परीक्षा काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप इसकी ज़ोर शोर से तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी विद्यालय में सभी शिक्षक जो हैं परीक्षा में सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप इसे YouTube चैनल गोपाल कृष्णा PTC रामपुर जलालपुर पर भी देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।